पहले मैं गया था क्रेटा देखने के लिए, तो क्रेटा और जब मैंने किया का कंपेयर किया तो क्रेटा में मुझे इतना ज्यादा और हैरियर भी बता रहे थे, हैरियर भी देखी थी, क्रेटा भी देखी थी, एमजी एक्टर भी देखी थी। एमजी एक्टर का थोड़ा सा रिव्यू जो आया था वो ये आया था कि चाइनीज है और थोड़ा मतलब इससे ज्यादा अच्छे उसमें फीचर्स थे, बट इंडियन ना होने की वजह से वो मैंने नहीं ली। उसकी जो सर्विस है वो भी सर्विस इजीली नहीं मिल पा रही है, अभी कहीं भी सर्विस स्टेशन नहीं है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज और आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ आज किया सेल्टोस और ये है इसका एनिवर्सरी एडिशन। तो आज हमारे साथ इस कार के ओनर भी प्रेजेंट है और आज हम उनसे बात करने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका इस कार के ऊपर और क्या क्या रीज़न रहे थे उन्होंने ये कार चूज़ करी। तो आप वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर दें जाकर और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, उसका फायदा ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा या इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट करना और फिर मैं आपको कॉल करूंगा, डिसाइड कर लेंगे कहां पे वीडियो बनानी है। तो गाइज ये हैं इस कार के ओनर भाई, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। तो भाई का नाम है अभिषेक शर्मा और भाई कब ली थी आपने कार ये? ये मैंने जुलाई में ली थी, जुलाई के मंथ में, एनिवर्सरी एडिशन था। फरवरी में मैंने बुक करी थी और इसकी 6 महीने की वेटिंग के बाद मुझे ये जुलाई में मिली थी गाड़ी। तो जुलाई में फाइनली इनको कार मिल गई थी। तो वो कितना चला दी होगी भाई कार आपने? अभी मैंने ओवरऑल जो चलाई है 4000 किलोमीटर चली है अभी। नॉर्मली मेरा ज्यादा इससे गाड़ी चलना होता नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये पेट्रोल वेरिएंट है और सब कुछ इस वेरिएंट के अंदर आता है, कुछ बाहर से कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन निकाला था जब 1 साल हो गए थे किया सेल्टोस को और आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी इसमें ऑरेंज कलर की टचिंग दे रखी है जो इसके लुक को स्पेशल बनाती है। तो भाई अब बात आती है कि किया सेल्टोस ही क्यों चूज़ करी आपने, मतलब कौन कौन सी कार देखी और फिर ये क्यों चूज़ करी? किया सेल्टोस से पहले मैं गया था क्रेटा देखने के लिए, तो क्रेटा और जब मैंने किया का कंपेयर किया तो क्रेटा में मुझे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्ट जोन नहीं मिला जो इस गाड़ी में मिला। दूसरा फिर किया और हुंडई दोनों सिस्टर कंपनी रही है। ये पहले क्रेटा के लिए और हुंडई के लिए पार्ट्स बनाती थी किया। फिर बाद में जब मैं इस गाड़ी में आया, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया तो मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट लगा, स्पेशियस लगा क्रेटा से, ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अंदर से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये एनालॉग है, बीच में छोटी सी MID दे रखी है और सनरूफ भी आपको छोटी सी इसमें मिल जाती है, IRVM वगैरह भी ये इसके ऑटो डिमिंग वाले हैं। तो सब कुछ है इस कार में। तो भाई पहले बात करते हैं सनरूफ की, सनरूफ कितनी प्रैक्टिकल लगी आपको, यूज करी आपने? हाँ, सनरूफ मुझे सनरूफ का ही मेरा मेन था गाड़ी को लेने के लिए। मैंने देखा था पैरानोमिक सनरूफ भी बहुत गाड़ियों में आ रही है बट यूज उसका सिर्फ आगे वाली का ही होता है, तो फिर मैंने इसलिए ये सनरूफ लिया इस गाड़ी का। छोटा सनरूफ है, अच्छा है और गाड़ी में मतलब जब आप गाड़ी स्पीड में होती है और सनरूफ खुला होता है तो गाड़ी में कोई वाइब्रेट नहीं होता, गाड़ी बहुत अच्छे से स्मूथ चल रही होती है। तो ये ओपन है यहाँ से होती होगी, वहां से आप स्टार्ट करो। अच्छा, स्टार्ट करनी पड़ेगी, इग्निशन ऑन। तो आप देख सकते हैं कोई भी इसमें नॉइज वगैरह नहीं है, इसी की आ रही थी। मैंने भाई एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू किया था, वो थी हुंडई की अल्काज़ार, तो जब वो ऑन कर रहे थे ना तो उसमें आवाज आ रही थी, वो जैसे कोई मोटर की ऐसे कुछ घिस जाता है अंदर, तो वही चीज मैं देख रहा था। तो इसकी भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको, बिल्ड क्वालिटी जैसे कि ये आपका जो भी डैशबोर्ड वगैरह हो गया, रेटलिंग नॉइज वगैरह, नॉइज वगैरह आती है इसमें कुछ चलाते टाइम? नहीं, कुछ भी नहीं है, गाड़ी साइलेंट है एकदम। और गाड़ी जो है बहुत चलाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। इसके अलावा आपने एक तो क्रेटा देखी थी और हैरियर भी बता रहे थे? टाटा हैरियर भी देखी थी, क्रेटा भी देखी थी, एमजी एक्टर भी देखी थी। एमजी एक्टर का थोड़ा सा रिव्यू जो आया था वो ये आया था कि चाइनीज है और थोड़ा मतलब इससे ज्यादा अच्छे उसमें फीचर्स थे, बट इंडियन ना होने की वजह से वो मैंने नहीं ली। उसकी जो सर्विस है वो भी सर्विस इजीली नहीं मिल पा रही है, अभी कहीं भी उसका सर्विस स्टेशन नहीं है। फिर किया की जो मैंने मार्केट में रिव्यू करा तो किया का मार्केट लेवल बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में ऊपर उठा है, अच्छी अच्छी बड़ी गाड़ियों को चैलेंज किया है कंपनी ने विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो फिर सब लोगों से पूछ के और हर चीज देखने के बाद मुझे ये गाड़ी का ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा।
तो इसका जो इंटीरियर है वो है ब्लैक कलर में, और ब्लैक इंटीरियर की बात अलग ही होती है, अपने आप में ही अलग ही जचती है। व्हाइट कलर लेने की प्लानिंग कैसे बनी आपकी, यही कलर क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली में जो है मेरे पास एक वरना है ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, स्मार्ट कलर तो होता है, अलग दिखता है लुक वाइज, और लड़के मोस्टली ब्लैक कलर ही प्रेफर करते हैं। तो एक जब ऑलरेडी ब्लैक गाड़ी होने के साथ साथ, फिर जब मैं गाड़ी बुक करने गया तो मैंने ये भी ब्लैक गाड़ी ही बुक करी थी, बट जो इसका एनिवर्सरी एडिशन था वो ब्लैक मुझे ऑन टाइम नहीं मिल पा रहा था, बड़ी उसमें मतलब वेटिंग आ रही थी, बहुत इश्यूज आ रहे थे, तब जाके मैंने व्हाइट कलर लिया, और व्हाइट भी बहुत अच्छा कलर है, आपको इसमें डस्ट कम दिखती है। और डबल टोन में आप देखोगे बाहर से तो गाड़ी जो है ब्लैक है, छत इसकी ब्लैक पेंट पे है, और ये जो हैंड नीचे यहाँ हैंडल से ऊपर तक की चीजें है वो डबल टोन की गाड़ी है, ड्यूल टोन गाड़ी है, नीचे आपको व्हाइट मिलेगी बॉडी और ऊपर का टोन सारा ब्लैक है। अच्छा भाई, कहाँ कहाँ लेके गए हो इस कार को आप? जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैं इसको ले गया था कुंभलगढ़ उदयपुर, 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी मैंने। तो हाईवे पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसका? बहुत अल्टीमेट गाड़ी चली, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी में, मतलब मुझे जिस तरीके से मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे गाड़ी में कंफर्ट जोन दिखाई दिया। ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छा है, बिल्कुल रोड से टच होकर गाड़ी चलती है, अलाइनमेंट बहुत प्यारा है, सस्पेंशन में कोई मतलब वो नहीं है तेज चलाने पे, साउंड एकदम, ब्रेक लेने पे कोई गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप जरूर इस गाड़ी के लिए, अगर कोई लोग सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो मैं कहूंगा आप जरूर एक बार टेस्ट ड्राइव करें और गाड़ी में जाके देखें। तो एवरेज है, एवरेज वगैरह इसमें फिलहाल तो दिखा रही है 9.8 किलोमीटर पर लीटर, बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है। तो हम अभी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चला के आ रहे हैं। वैसे लोकल वगैरह में सिटी में और हाईवे पे कितना एक एवरेज जो होता है क्या निकाल देती है कार? मैंने इसको जो चेक किया है हाईवे पे, इसका जो एवरेज है वो तकरीबन 14 के आसपास रहता है, और सिटी में 10-11 के अराउंड रहता है। एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हैं इस गाड़ी का, कि अभी मतलब नई है तो एवरेज इस तरीके से नहीं निकाल पा रही है। अच्छा भाई, पेट्रोल ली जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो पेट्रोल क्यों चूज करी? डीजल पे जाते हैं ज्यादातर लोग एवरेज वगैरह को देखते हुए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पेट्रोल, एक्चुअली में क्या है कि जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो डीजल वेरिएंट इंजन है उनको 10 साल का ही वो कर दिया गया है परमिट, तो हम लोग ये है कि भाई लॉन्ग चलाने के लिए 15 साल का एक तो हमारे को एडवांटेज मिल जाता है इस गाड़ी में कि 15 साल तक आप चलाओगे। दूसरा, आगे अगर इन फ्यूचर आपको पेट्रोल पे या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीएनजी का भी ऐड करा सकते हो इसके अंदर, तो ये 2-3 चीजें बेनिफिट थे, इस वजह से पेट्रोल पे गए। और डीजल इंजन में थोड़ा साउंड होता है जब आप स्टार्ट करते हो, चलते हो, तो साउंड की वजह से भी ये, साउंड की बात आती है तो एक बार स्टार्ट जरूर करके देखूंगा भाई से। तो गाइस, कार है स्टार्ट और केबिन नॉइज आप इसकी सुन सकते हो, एकदम साइलेंट कार है। आरपीएम आप देख सकते हो, स्टार्ट है भाई कार इस टाइम, बंद कर देता हूँ। पहले भाई फ्रंट की स्पेस की बात कर लेते हैं, जो फ्रंट का इसका स्पेस है वो कैसा लगता है आपको? काफी अच्छा स्पेस है फ्रंट का, मतलब इसका बूट स्पेस और आगे जो बैठने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है। तो ये भी है स्मार्ट प्यूरे एयर, एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर तो यूज किया है आपने? आप ऑन करो, कार स्टार्ट करूं। ये आ गया ना यहाँ पे, अभी जीरो पे है, अभी 115 आ गया, यहाँ पे भी लिखा गया, स्कैन करो, 140 पे। तो एक ही भाई इस टाइम 161 गाजियाबाद का। तो ये प्रैक्टिकल लगता है भाई आपको कुछ? लगता है यूज इसका या फिर? हाँ, अभी तक जैसे मैंने इसको चलाया है, मैं बाहर गया हूँ उधर राजस्थान साइड, वहाँ पे जो था ये क्वालिटी इसका यहाँ के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन हो रहा था, तो यही एक चीज है जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ में आती है। अब 199 है, 212 हो गया। तो ये टोटल कितने की पड़ी थी भाई कार आपकी? है पता है मैंने इसका बिल हुआ था 17 लाख के आसपास इसका बिल हुआ था इस गाड़ी का, 17 लाख की ऑन रोड थी, जिसमें इंश्योरेंस भी था आपका और वही रोड परमिट। 17 लाख के आसपास है बड़ी, 17 लाख में वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, कुछ आपको कराने की जरूरत नहीं है, जो भी फीचर्स होते हैं जरूरी और एडवांस के भी कह सकते हो आप, वेंटिलेटेड सीट से लेकर हर एक चीज। तो भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इस गाड़ी में आपने काफी ज्यादा मतलब इसकी पॉजिटिव बताया, काफी ज्यादा इसकी तारीफ की, तो कुछ कमी वगैरह लगती है कार में अभी तक?
देखो यार अभी तक तो कोई कभी ऐसी खास मुझे लगी नहीं है। हाँ एवरेज एक पॉइंट कह सकता हूँ मैं कि एवरेज अभी थोड़ा सा, बट वो भी है कि गाड़ी की सर्विस होगी, अभी सेकंड सर्विस पे जाएगी गाड़ी और ज्यादा इंजन में रमा होगा। अच्छा तो मैंने ये सुना है कि जो किया सेल्टोस ओनर होता है काफी उनकी एक कंप्लेंट रहती है पेट्रोल वालों के साथ, मेजरली कंप्लेंट रहती है कि पिकअप वगैरह उन्हें कम लगता है कार का, जैसे और कोई कार को कंपेयर करें, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई मतलब पिकअप से रिलेटेड मेरे सामने कोई इशू आ रहा हो, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। जैसा मतलब रोड पे होते हैं पिकअप, एकदम गाड़ी उठने में गाड़ी दबके नहीं चलती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती है। अब सब लोग हैं उनकी अपनी अपनी वो है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है तो भाई एक बार इसको बाहर से स्टार्ट करके नॉइज वगैरह सुन लेते, क्योंकि किया की तारीफ होती है कि जो इसका पेट्रोल इंजन है काफी ज़्यादा साइलेंट है। ये इसके फोग लैंप हैं यहाँ पर और ये हैं डीआरएल्स। एसी बंद कर देना भाई इसका, एसी बंद कर दिया आपने तो इस टाइम ये कार स्टार्ट है, एसी इसका ऑफ है। तो ये इसमें इतनी नॉइज आप सुन सकते हो, इतनी नॉइज मिल जाती है। बोनट खोल दिया इसका, स्टार्ट होने के बाद ये नॉइज इसमें आपको मिल जाती है। इसमें कोई इंसुलेशन भी नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि उनकी जो कार है वो साइलेंट रहती है, इस वजह से उनको इंसुलेशन वगैरह इसमें नहीं मिलता, सब प्लेन है यहाँ पर। अब बात आती है रिकमेंडेशन की, भाई क्या आप इस कार को रिकमेंड करते हो? हाँ मैं बिल्कुल, जो भी यूज़र्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी इसकी नॉलेज ले रहे हैं, मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि आप इस गाड़ी को ले ज़रूर, काफ़ी अच्छी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है और मेरे लिए अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे यूज़ में है और मेरा एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस गाड़ी को लें, ट्राई करें, चलाएँ, टेस्ट ड्राइव लें, इन्जॉय करें सेल्टोस के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो में आप लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, टिल देन टेक केयर।